बिल्ली की शादी इंसान से। महेश एक गांव में रहता था। महेश की माँ और पिता काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन वो महेश से बोले, बेटा तू कब तक अकेला हमारी सेवा करते रहेगा? तू शादी कर ले, घर में बहू आएगी तो हमारे काम में हाथ बटा देगी और हमारा काम आसान हो जाएगा, साथ ही तुझे भी साथी मिल जाएगा। इस पर महेश बोला, माँ तू तो जानती है मैंने कितनी बार शादी करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी कुंडली में दोष होने के कारण कोई भी मुझसे अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए ये शादी का विचार आप अपने मन से निकाल दो। बेटा तू किसी पंडित से पता कर, हर समस्या का समाधान होता ही है, तेरी समस्या का समाधान भी जरूर होगा। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। महेश आवाज सुनकर बोलता है, कौन है भाई? महेश मैं पंडित भोला हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महेश दरवाजा खोलता है। भोला पंडित जी आप यहाँ, अंदर आ जाइए। पंडित अंदर आकर बोला, महेश मैं तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ, लड़की बहुत ही अच्छी है और तुम्हारा अगर उससे विवाह हो गया तो तुम दोनों सुखी रहोगे। माता पिता खुश होते हुए बोले, पंडित जी ये तो बहुत अच्छा किया आपने, हम अभी महेश की शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन ये सुनकर महेश उदास था। इस पर पंडित बोला, बेटा तुझे शादी करने की बात सुनकर खुशी नहीं हुई? क्या तू शादी नहीं करना चाहता? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी कुंडली में कोई दोष है जिस वजह से कोई अपनी लड़की की शादी मुझसे नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन सा दोष है तुम्हारी कुंडली में? लाओ मुझे अपनी कुंडली दिखा दो। पंडित महेश की कुंडली देखते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारी कुंडली में तो एक दोष लगा हुआ है, जब तक यह दोष दूर नहीं होगा तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह दोष ठीक नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक उपाय करना होगा। इस पर महेश बोला, ठीक है पंडित जी आपको जो करना है कर लीजिए, बस मेरे माता पिता की इच्छा पूरी कर दीजिए। वैसे पंडित जी क्या उपाय है? बेटा इस उपाय के बारे में तुझे नहीं बताया जा सकता, तेरे माता पिता को ही सब बताया जाएगा, मैं तेरे लिए लड़की देख लूंगा, बाकी सब काम तेरे माता पिता के साथ मिलकर कर लूंगा। कुछ दिनों बाद पंडित फिर से उनके घर आता है और महेश के माता पिता से कहता है, अरे महेश के माता पिता मैंने महेश के लिए लड़की देख ली है, अब तुम बस महेश की बारात की तैयारी करो। महेश की माता और पिता काफी खुश थे, उन्हें खुश देख कर महेश भी खुश हो गया। महेश की शादी की तैयारी चलने लगी। महेश ने अपने दोस्तों को निमंत्रण देना शुरू कर दिया। सबको निमंत्रण देकर महेश बहुत खुश होता है। तब उसकी माँ ने उससे बोला, क्या हुआ बेटा तू आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। माँ खुशी की ही तो बात है, मेरी शादी होने वाली है, इस वजह से मैंने अपने सारे दोस्तों को निमंत्रण दिया, आज तक मैं सबकी शादी में जाता रहा, मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी अपनी शादी का निमंत्रण सबको दूंगा। अरे बेटा तूने ये क्या किया, अभी किसी को निमंत्रण नहीं देना था। क्यों माँ क्यों नहीं देना था? महेश की माँ उसे कुछ नहीं बताती। फिर शादी का दिन आ जाता है। महेश दूल्हा बनकर अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर था, तभी पंडित वहाँ पर आकर उसका टीका करता है और वो महेश को बोलता है, महेश तुम शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार होकर आए हो, आओ मेरे साथ मंदिर में चलो। पंडित महेश को मंदिर में लेकर जाता है, लेकिन महेश देखता है वहाँ पर तो कोई लड़की थी ही नहीं। पंडित जी यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, आप मेरी शादी किससे करोगे? बेटा तुम्हारी कुंडली में जो दोष है
उसकी वजह से तेरी शादी एक बिल्ली से करानी पड़ेगी, तभी उसका निवारण होगा। तभी पंडित बिल्ली को बुलाता है। वो बिल्ली को चुनरी उड़ाकर मंडप में बिठा देता है। महेश के दोस्त उसका मजाक बनाते हैं, तब महेश भी गुस्सा करता है। ये सब क्या मजाक चल रहा है पंडित जी, मेरी शादी एक बिल्ली से? आप पागल हो गए हो क्या? सही है भाई, आज एक इंसान की शादी बिल्ली से होते हुए देख ली। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है महेश। चल हम चलते हैं, हमारे पास बिल्ली की शादी देखने से ज्यादा जरूरी और भी काम है। सब दोस्त हंसते हुए चले जाते हैं। महेश शादी से मना कर देता है। तब उसके माता पिता बोलते हैं, बेटा महेश अपने माता पिता की इच्छा पूरी नहीं करेगा, तेरी कुंडली के दोष का बस यही एक उपाय है। बेटा मान ले हमारी बात और शादी कर ले। महेश अपने माता पिता के लिए मंडप में बैठ जाता है। उसके बराबर में चुनरी ओढ़ी बिल्ली बैठी थी। दोनों की शादी होने लगती है। तभी बिल्ली उठकर इधर उधर भागने लगती है। बताओ पंडित जी अब मैं क्या करूं? कैसे इस बिल्ली से मेरी शादी होगी, ये तो भाग रही है। महेश बेटा तुम अपनी होने वाली पत्नी मेरा मतलब बिल्ली को उठाकर अपनी गोद में बिठा लो, ये फिर कहीं नहीं जाएगी। महेश बिल्ली को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और सारी रस्में करता है और फिर उसको गोद में उठाकर फेरे ले लेता है। इस तरह उन दोनों की शादी पूरी हो जाती है। तब महेश गुस्से से बोलता है, लो हो गई मेरी शादी इस बिल्ली से, अब बताओ हो गया क्या मेरा दोष दूर? पता नहीं आप लोगों ने क्या सोचकर मेरी इस बिल्ली से शादी कर दी। मैं इसे पत्नी नहीं मानता, ये बिल्ली है। एक बिल्ली और इंसान कभी पति पत्नी नहीं हो सकते। इतना कहकर महेश बिल्ली को दूर फेंक देता है। तभी बिल्ली एक सुंदर लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। महेश तुरंत उसके पास आकर बोलता है, निधि तुम एक बिल्ली कैसे बन गई? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। महेश के माता पिता बोलते हैं, बेटा ये कौन है? तुमने तो कभी किसी निधि के बारे में हमें नहीं बताया। पिताजी जब मैं पढ़ाई के लिए शहर गया था तब मुझे निधि मिली थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, और जब मैं इसे लेकर आपके पास आने वाला था ये अचानक मुझसे लड़कर कहीं चली गई। मैंने इसे बहुत ढूंढा मगर ये नहीं मिली। आज मिली भी है तो इस बिल्ली के रूप में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, निधि कुछ बताओ ये सब क्या है? महेश जब हमारी लड़ाई हुई थी मैं तुम्हारे पास वापस आ रही थी, मगर तभी मेरी गाड़ी से एक बिल्ली की मृत्यु हो गई, और जैसे ही मैं उस बिल्ली के पास पहुंची मैं खुद बिल्ली बन गई। बिल्ली बनते ही जिस बिल्ली की मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी मेरे पास आई और बोली कि मैंने उसे उसका पति छीना है, तो इसी कारण उसने मुझे श्राप दिया कि मैं भी बिना शादी के जिंदगी भर अकेले रहूंगी। मगर आज मेरी शादी तुमसे हो गई तो उसका श्राप विफल हो गया। निधि की सारी बात सुनकर महेश उसे गले से लगा लेता है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और अपना शादीशुदा जीवन जीते हैं। मगर उस दिन के बाद भी निधि के ऊपर से वो श्राप पूरी तरह से नहीं हटा और वो हर अमावस्या की रात बिल्ली बनती थी।